Subscribe and click the bell icon for television updates. सर आपके शो को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं मतलब हमेशा से मैं सिर्फ मेहनत करता रहता हूँ। लोगों का प्यार कई बार बहुत मिलता भी है और कई बार वो लोग बोलते हैं कि यू नो यहाँ गलती हुई है, सो मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। सो अब प्यार मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड कि इतना सारा प्यार दे रहे हैं लोग मुझे और मेरे पूरे शो को, सारे एक्टर्स इतने ध्यान से इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी, वी आर इन अ गुड स्पेस। सर स्वर्ण घर शो एक ऐसा शो है जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया है और फैमिली स्पेशली बहुत ज्यादा इस शो को पसंद कर रही है जी। तो इस बारे में आपने कभी सोचा था कि फैंस का इतना प्यार मिलेगा शो को? देखिए भरोसा तो एक्चुअली शुरुआत से ही था कि ये शो कहीं ना कहीं ऑडियंस को टच करेगा और यही एक रीज़न था कि मैंने ये शो किया है। लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से हम लोग यू नो कैरेक्टर में डूब के काम कर रहे हैं, सो बहुत लोगों के मैसेजेस मुझे भी आते हैं, बहुत लोग के फ़ोन भी आते हैं, सो मतलब और पूरा पंजाबी बैकग्राउंड और पूरा उस तरीके से मेरे लिए भी बहुत नया है सब कुछ। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो कुछ अलग करके दिखाऊँ। सो ये भरोसा तो था पहले से ही, बट प्यार जितना मिल रहा है वो सच में बहुत कमाल है अभी फ़िलहाल। सर जितना प्यार मिल रहा है उतनी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, दुपट्टे को लेकर बहुत इशू किया गया है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए हम एक्टर्स जो होते हैं वो हमारा बड़ा लिमिटेड काम होता है, मतलब हम एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो एक एक्टर का काम होता है फॉलो करना अपने डायरेक्टर को, अपनी टीम को, अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट को, चैनल को, मतलब बिकॉज यू नो दे आर पुटिंग इन सो मच ऑफ टाइम इन एवरीथिंग। सो हमने कहा था कि ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट फिर भी अल्टीमेटली हमारा यही काम होता है कि हम डायरेक्टर और क्रिएटिव टीम की सुने और उसको जितना कन्विंसिंगली हो सके करें। तो वो दुपट्टा जो मैंने अपने दांतों से फाड़ा है और उसको निकाला है, तो वो बड़ा कन्विंसिंगली करने की कोशिश की थी मैंने, बट अब वो लोगों को अजीब लगा तो बट ठीक है, मतलब इट्स ऑल फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल हुआ है, ट्रोलिंग भी की गई है। हाँ ट्रोल भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं, अब तो जो हो गया वो हो गया, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि आगे से थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें लॉजिकली ध्यान में रखी जाएँ, और कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसिडेंट पे संगीता मैम का क्या स्टैंड है, मतलब वो क्या कहना चाहिए, बिकॉज अभी तक वो सामने नहीं आई इस बारे में तो? नहीं नहीं उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका भी यही कहना है कि सी क्या होता है ना कि हम बहुत जगह मतलब हम शूट रोक के नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डेली सोप, रोज हमें डिलीवर करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस होते हैं एज एन एक्टर और एज ए क्रिएटिव टीम, बट सी अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो, सो उसके अलावा कोई और दूसरा सोल्यूशन होता नहीं है। फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें ऑब्वियसली मतलब वी आर द फेस, वी आर एक्टर्स, सो ऑडियंस जो भी देखती है, जो भी अच्छा बुरा कहना है वो हमको ही कहती है, तो वी आर रेडी टू टेक ऑल द कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स ऑल्सो एंड गुड थिंग्स ऑल्सो। अच्छा ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं शो में टीआरपी बढ़ी है? देखिए टीआरपी तो टीआरपी का रीज़न कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी के बेसिस पे कोई भी शो नहीं चल पाता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है और हमेशा से ऐसा लगता था कि शो में की जो कहानी में जो दम है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम दिखाना चाह रहे हैं, वो तो एक सीन था और उस कंट्रोवर्सी के ऊपर टीआरपी बेस नहीं होती है, मेरा जितना मानना है तो ऐसा नहीं है। अपने को स्टार्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ काम करना कैसा, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे शो में जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बहुत डिस्कशंस भी करते हैं एज एन एक्टर, आपस में भी डिस्कशन करते हैं, सीन्स को लेके भी डिस्कशन करते हैं, और मतलब संगीता भी इतने सालों से काम कर रही हैं, इतनी मंझी हुई कलाकार हैं वो, तो उनके साथ भी जब सीन करते हैं तो यू नो वो भी इतने एफर्ट्स डालती हैं उस सीन में, उस कहानी में, उस कैरेक्टर में, तो वो एक सीखने वाली चीज़ है। सो जितने भी जो नए एक्टर्स हैं जो अभी जिन्होंने अभी काम शुरू किए हैं कुछ साल पहले, तो वो भी
वो भी सीखते हैं और हम भी उनसे सीखते रहते हैं बहुत कुछ। सर आपने टेलीविजन इंडस्ट्री में इतने सारे शोज किए हैं, स्वर्ण घर शो सबसे डिफरेंट क्यों लगता है आपको, वन रीजन? देखिए जो अगर मैं इसमें थोड़ा सा सेल्फिश होके बोलूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है वो अभी तक टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसा कैरेक्टर कभी दिखाया नहीं गया, और जिस तरीके से इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है अजीत को वो मैंने पहले कभी नहीं ना देखा है ना सुना है ना कभी एक्सपीरियंस किया है, खुद भी नहीं किया है कभी, तो मेरे लिए तो वही एक चैलेंज था और अभी भी है। मुझे तो वही ज़्यादा बेटर लगता है कि भाई ऐसा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, क्योंकि टेलीविज़न में कहीं ना कहीं आप रिपीट कैरेक्टर्स भी करते हो, बट मैंने टचवुड आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं वो एक दूसरे से अलग ही थे। सो अजीत सबसे अलग है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका कैरेक्टर का नाम अजीत है एंड आपका रियल नेम अजय है, तो कभी फैमिली मेंबर्स को ऐसी कोई कंफ्यूजन हुई है कि आपको अजय की जगह अजीत बोल दिया है? अभी तो मुझे अजीत ही बोलते हैं मोस्टली लोग, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जिनसे मैं पूछता रहता हूँ कि यू नो कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन है उनके, और वो बहुत ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं, तो उनका शुरुआत में ये था कि अच्छा है, यू नो यू डूइंग गुड, ठीक ठाक है, ये है, यहाँ गलत है, यहाँ अच्छा है, बट अभी धीरे धीरे यू नो उन वो कहने लगे हैं कि अब तू अजीत लगने लगा है, तो मैं कहा चलो ठीक है कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा है। अच्छा चंडीगढ़ में जाकर मुंबई को कितना मिस कर रहे हैं आप, बिकॉज वहाँ पे आप पहले से मुंबई में रहे हैं और अब एक नई लोकेशन पे जाके शूट करना? देखिए चंडीगढ़ एक तो बहुत ही खूबसूरत सिटी है और मुंबई को मैं मिस तो करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मतलब जो मैंने जिस ये रीज़न जब मैंने डिसीजन लिया था तो वो भी था कि आई फील कि मुझे कैमरे के सामने ही रहना है, एक्टिंग ही करनी है लाइफ में, इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है और ना कर पाएंगे, सो वो दुनिया में किसी भी कोने में हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मुंबई को मिस करते हैं, जिसके बीच बीच में आ जाते हैं आप सबसे मिलने। रौनित रॉय सर से भी बात होती रहती हैं और उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं संगीता के पास भी, और हम सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को, अभी मैंने कोई वीडियो डाला था तो उन्होंने भी उस पर कमेंट किया था, तो उनसे बात होती रहती हैं और वो भी कई बार तारीफ भी करते हैं कि यू नो तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सो उनकी तारीफ़ मिलती है तो मतलब यू नो एक इंस्पिरेशन मिलती है कि कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, बिकॉज ही इज़ बीन देयर फ्रॉम सो लॉन्ग एंड उनको देख देख के हम लोग भी काफ़ी सीखते हैं। सरगुन मेहता एंड रवि के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि आपका शो प्रोड्यूस कर रहे हैं? सरगुन तो मतलब यार शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड देन अ प्रोड्यूसर है, और मतलब मेरे लिए इससे ज़्यादा कम्फर्ट लेवल कभी रहा भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कभी होगा भी, बिकॉज जिस कम्फर्ट में मैं फ़िलहाल हूँ, मतलब सरगुन एज अ प्रोड्यूसर है, मेरी दोस्त है, हम लोगों ने साथ में काम भी किया है, यू नो एंड वो अब इंडिविजुअली भी एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा कर रही है, उसकी सौंकन सौंकने फिल्म अभी सुपर हिट हो गई है, ब्लॉक बस्टर हो गई है एक्चुअली, सो मतलब वो भी बहुत हैप्पी स्पेस में है, तो बहुत कंफर्ट लेवल पे हम लोग काम करते हैं, हमें मतलब कोई शिकायत नहीं है कुछ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा एक चीज़ पंजाब के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगी है या फिर चंडीगढ़ के बारे में बहुत अच्छी? देखिए पंजाब बहुत देसी है और मैं भी बहुत देसी हूँ, तो मतलब मुझे वो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे खेतों में घूमना, कई बार टाइम रहता है शाम को सुबह तो मैं चेयर वेयर लगा के वहीं बैठ जाता हूँ, वहीं लस्सी वस्सी पी रहे हैं, सारी चीज़ें वहीं हो रही हैं, तो इट्स लाइक बहुत यू नो बहुत सालों बाद उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है पंजाब में। सर स्वर्ण घर के अलावा और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे आपको देखने वाले हैं? मेरे 3-4 अभी OTT पे प्रोजेक्ट आएंगे जिनकी शूटिंग मैं ख़त्म कर चुका हूँ, इसी साल आएंगे 2022 में, अभी कुछ महीनों में आने शुरू हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से चारों आ जाएंगे इस साल। तो जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना प्यार दे रहे हैं मतलब उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप प्लीज़ देखते रहिए, अभी 1 तारीख से टाइम भी चेंज हो रहा है, स्वर्ण घर मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे आएगा, तो आप प्लीज़ देखिए और जो भी प्रतिक्रिया हो आप देते रहिए प्लीज़, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमको, हम सीखते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं।